आप सभी को एकादशी के इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु। त्वमेव माता च पिता तुमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा तुमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम तुमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। पौष मास कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसका नाम सफला एकादशी है। इस पौष मास कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का महत्व आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। आप ध्यान लगाकर श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान केंद्रित कर इस सफला एकादशी का महात्म्य सुने जिसका वर्णन किया गया है। युधिष्ठिर ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि हे स्वामिन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, कृपा करके यह बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजेंद्र बतलाता हूँ, ध्यान से सुनो। बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके एकादशी का व्रत करना चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन पूर्वोक्त विधान से ही विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। एकादशी कल्याण करने वाली है, अतः इसका व्रत अवश्य करना उचित है। जैसे नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुण, देवताओं में श्री विष्णु तथा मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि का व्रत श्रेष्ठ है। राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा श्री हरि का पूजन करें। नारियल के फल, सुपारी, बिजौरा नींबू, जमीरा नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषतः आम के फलों से देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार धूप दीप से भी भगवान की अर्चना करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। नरश्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की शुभ कारिणी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महिष्मत की राजधानी थी। राजऋषि महिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें जो ज्येष्ठ था वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था, पर स्त्रीगामी और वैश्याशक्त था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया। वह सदा दुराचार परायण तथा ब्राह्मणों का निंदक था। वैष्णवों और देवताओं की भी हमेशा निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देखकर राजा महिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्बक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्बक उस नगर से निकलकर गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उस पापी ने प्रायः समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह चोरी करने के लिए नगर में आया तो रात में पहरा देने वाले सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। किंतु जब उसने अपने को राजा महिष्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह पापी वन में लौट आया और प्रतिदिन मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल वृक्ष के निकट था। वहाँ बहुत वर्षों का पुराना पीपल का वृक्ष था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्बक वहीं निवास करता था। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन पापिष्ट लुम्बक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय न तो उसे नींद आई और न आराम ही मिला। वह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर भी उस पापी को होश नहीं हुआ। सफला एकादशी के दिन भी लुम्बक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति
पैरों से बार बार लड़खड़ाता हुआ बन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन, उस समय लुम्बक बहुत से फल लेकर ज्यों ही विश्राम स्थान पर लौटा त्यों ही सूर्यदेव अस्त हो गए। तब उसने वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि विष्णु संतुष्ट हों। यूँ कहकर लुम्बक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान श्री हरि विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होकर उसने अकंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्बक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया और वह भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सफला नाम की एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं। इस सफला एकादशी के व्रत में जो लगे रहते हैं उन्हीं का जन्म सफल है महाराज। इसकी महिमा को पढ़ने सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पाता है। यह सफला एकादशी का महात्मा है। इसे जो सुनते हैं वो भाग्यशाली होते हैं। आप सभी को पुनः सफला एकादशी की मंगल कामनाएं। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।